हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एज अ KNN। KNN है आपका के नियरेस्ट निहेवियर, मीन्स इसमें कोई पॉइंट हम लोग देखेंगे देंगे एंड उस पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे मल्टीपल कंडीशन के साथ। जिसके साथ वो नियरेस्ट होगा वो उसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। सो फर्स्ट थोड़ा सा इसके डेफिनेशन, इसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग कोड में भी इसको देखेंगे कैसे कैसे आप डिजाइन करेंगे। सो के नियरेस्ट निहेवियर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। तो ये डील करता है आपका किस पे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे ये काम करता है आपका। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, आपका इनपुट डेटा भी आपको है, आउटपुट डेटा भी आपको गिवन होता है। तो आप क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को मैच करके पैटर्न मैच कराते हैं और उसके बाद रिजल्ट आपका मिलता है। सो KNN एल्गोरिथम एज्यूम द सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यू केस डेटा एंड अवेलेबल केस एंड पुट द न्यू केस इनटू द कैटेगरी दैट इज द मोस्ट सिमिलर ऑफ अवेलेबल कैटेगरी। मतलब आपके पास न्यू केस डेटा को हम लोग लेंगे, ओल्ड केस डेटा के साथ मैच करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस में वो सिमिलैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो फाइंड आउट होगा। सो KNN एल्गोरिथम स्टोर ऑल द अवेलेबल डेटा एंड क्लासीफाई न्यू डेटा पॉइंट बेस ऑन द सिमिलैरिटी। इस पे बेस करता है, मीन पे आपका वर्क करेगा, इसमें आपका नियरेस्ट निहेवियर को ये लेके आपका वर्क करेगा। तो ये सारे एल्गोरिथम में कुछ पॉइंट तो मैंने लिखे हुए हैं। जैसे सपोज एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, एक इमेज ऑफ द कैप्चरिंग द लुक सिमिलर सिमिलर टू अ कैट एंड डॉग। आपने एक इमेज थी जो सेम है आपके कैट एंड, बट वी वांट टू नो आइदर इट इज अ कैट और डॉग। सो फॉर दिस आइडेंटिफाई वी यूज, उसके लिए आपको यूज करना है KNN एल्गोरिथम। KNN एल्गोरिथम में आप देखेंगे कि कैट एंड डॉग किसके निहेवियर है, वो कैट से ज्यादा मैच हो रहा है या डॉग से ज्यादा मैच हो रहा है। तो जिससे ज्यादा मैच होगा वो उसकी कैटेगरी में आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उस कैटेगरी में चला जाएगा और उसको आप उस फील्ड में डिफाइन कर देंगे। अब इसके लिए कुछ स्टेप आपके होते हैं। जब आप के नियरेस्ट निहेवियर की बात करते हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट दी नंबर के ऑफ दी निहेवियर, आपको कितने निहेवियर यूज करने हैं हर एक सेट के वो आप डिफाइन करेंगे। कैलकुलेट दी इक्वल डिस्टेंस ऑफ दी के नंबर्स ऑफ निहेवियर, निहेवियर के आप इक्वल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा ये सारे स्टेप। टेक दी के नियरेस्ट निहेवियर एज पर दी कैलकुलेट इक्यू डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे कि के की वैल्यू आपकी जनरेट होगी। एंड देन उसके बाद आप अमंग दिस की निहेवियर काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच कैटेगरी, ईच कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ डेटा आपके फाइंड आउट हो रहे हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। असाइन द न्यू डेटा पॉइंट ऑफ द कैटेगरी फॉर विच द नंबर ऑफ निहेवियर इज मैक्सिमम, किस पे आपका मैक्सिमम निहेवियर जो है मैच करें तो उस कैटेगरी में बिलोंग करेगा और मॉडल इज वहां से आपका मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आपका आयरिस फ्लावर का। आयरिस फ्लावर में आपके पास देखिए एक तो सेपल इसका लीफ होता है, एक पेटल लीफ होता है। तो आपको सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एंड इसके अंदर आपकी तीन कैटेगरी डिफाइन होती है, एक होता है आपका सिटोसा, वर्जिनिका एंड वर्जिकल। तो आपकी तीन कैटेगरी है, उन तीन कैटेगरी में कोई पॉइंट आप देंगे। अब आपको मैच करना है कि वो पॉइंट आपका किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, वो सिटोसा में करेगा, वर्जिनिका में करेगा, वर्जी कलर में करेगा, वो आपको डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स हमने अब देखिए एग्जांपल की बात हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कैटेगरी आपके सिटोसा की है, ये मान लीजिए पॉइंट जो है आपके वो सिटोसा के हैं। ये कुछ पॉइंट आपके हैं जो किसको डिनोट करें, कैटेगरी ए जिसे हम लोग सिटोसा बोल रहे हैं, आयरिस फ्लावर की ही हम लोग बात करें। दूसरी कैटेगरी आपकी एक यहाँ पर है, इसमें कुछ पॉइंट है आपके, ये दूसरी कैटेगरी के पॉइंट है आपके एंड इसको हम लोग ले लेते हैं बी। मान लीजिए ये सिटोसा है, वर्जिनिका है, तीसरी कैटेगरी है इसमें एज अ वर्जिकल। तो ये आपकी तीसरी कैटेगरी है, इसको हम लोग ले लेते हैं सी। तो तीन कैटेगरी आपने डिफाइन कर दी, एक पॉइंट आपने यहाँ पर डिफाइन किया। अब आपको ये बताना है कि ये पॉइंट किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। आपने सेपल लेंथ, सेपल विड्थ दे दी, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ दे दी एंड उसके बाद आप डिफाइन करें कि वो आपका सिटोसा में जाएगा, वर्जिनिका में जाएगा, वर्जी कलर में जाएगा। तो इसके लिए आपको आप KNN एल्गोरिथम का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है, उसकी वैल्यू आपकी डी है। तो सबसे पहले हम लोग लेट हमने क्या किया, थ्री थ्री इक्वल पॉइंट हमने ले लिए, यानी तीन पॉइंट इसके एक्सेस करें, तीन पॉइंट इसके एक्सेस किए, तीन पॉइंट हमने इसके एक्सेस किए एंड इनसे हम निहेवियर डिस्टेंस इसके फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीन पॉइंट इसके आपने इस पे चेक करेंगे, आप तीन पॉइंट इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड तीन पॉइंट आप इस वाले से फाइंड आउट करेंगे। तो के की वैल्यू क्या होगी आपकी, के इक्वल टू हो गया है नंबर ऑफ फेसेस, आप हर एक कैटेगरी में कितने फेसेस यूज करें। सो नंबर ऑफ
फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस की अगर हम बात करें तो 333 जा 9 आपका हो गया है, एंड इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो के की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3, यानी आप तीन तीन डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, तो आपकी की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर 3। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए टू डी। ए से आपने तीन पॉइंट दिए, इन तीनों पॉइंट से डी की आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है डायरेक्ट, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आपके सारे के अंदर सेम ही आपका लगेगा। यहाँ पर से मान लीजिए आपने ए से डी के पहले वाले का जब आपने फाइंड आउट किया ए से डी, मान लीजिए ये डिस्टेंस आई आपकी 2, इसको ए लिख देते हैं, ए सी डी की डिस्टेंस है ये। दूसरी डिस्टेंस आपकी 4a आ गई है, एंड तीसरी डिस्टेंस आपकी कवर हो गई एज अ 6a। ये हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि हमने जो डिस्टेंस पाई, ये डिस्टेंस 2 मान ली है, ये डिस्टेंस हमने 4 मान ली, और ये डिस्टेंस हमने 6 मान ली। सेम अब b से d हम लोग फाइंड आउट करेंगे। b से d का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए, ये आपकी एक डिस्टेंस, दूसरी एंड ये तीसरी डिस्टेंस है। तो पहली डिस्टेंस यहाँ पर हमने 2b ले लिया है, दूसरी डिस्टेंस आपकी है 3b, एंड तीसरी डिस्टेंस हमने कंसीडर की एज अ 6b। लेट किया कि ये डिस्टेंस है। अब इसके बाद आप c से भी d की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहली डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले ली 1c, दूसरी डिस्टेंस आपकी होगी 2c, एंड तीसरी डिस्टेंस यहाँ पर हो चुकी है आपकी 3c। तो ये डिस्टेंस आपके तीनों पॉइंट से डी की डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर दी। तो ये स्टेप, दो स्टेप आपके परफॉर्म हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं, इन सारे डिस्टेंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट अप करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख देंगे, एंड उसके बाद आप अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम यहीं पर लिख देते हैं इसको, कीप रखते हैं इसको, नेक्स्ट में न्यू के इसी में क्रिएट कर लेते हैं, सर नहीं तो शो नहीं होगा। चलिए अब मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका 1c आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, कलर चेंज कर देते हैं इसमें एज अ, तो सबसे पहले आपका है 1c, दूसरा आपका देखिए 2a है, 2a, 2b, 2c, तीसरा आपका क्या है 3b है, 3b है आपका, इसके अलावा क्या है 3c है आपका, 3c है, नेक्स्ट आपका क्या है 4a है, 4a भी है, इसके अलावा आपका है 6a, 6a है आपका, एंड 6b भी है आपका। ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट को राइट अप कर दिया। इसके बाद क्या है आपका k, अगर आपका 3 है तो 3 का आपको पेयर बनाना है। तो देखिए 1c का केवल एक वैल्यू है, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, 2 के आपके तीन वैल्यू हैं, तो इसका एक पेयर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगर आप 3 की बात करें तो 3 के आपके दो वैल्यू हैं, तो ये एक पेयर ये बन जाएगा आपका। तो आपके पास कितने पेयर बन चुके हैं, तीन पेयर आपने बना दिए, क्योंकि आपकी k की वैल्यू 3 थी, तो तीन पेयर आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। नाउ अब a की प्रोबेबिलिटी देखिए, इसमें a कितनी, इन तीनों पेयर में a कितनी बार आ रहा है आपका, अगर आप चेक करेंगे तो a आपका आ रहा है केवल एक बार, ये आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, यानी इस पे, ये d पॉइंट पे a की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। b की देखो, b के कितने टर्म आपके यहाँ पर आए, 1 2 आए हैं। एंड अगर c की आप बात करें तो c पे देखिए 1 ये है, 2 एंड 3, तो सी के चांसेस कितने हैं, 3 है, सी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, आपकी सी की आ रही है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम एक्सेस जो है वो 3 है, जो सी की प्रोबेबिलिटी है, तो ये पॉइंट किस की तरफ जाएगा आपका, सी की तरफ मूव कर जाएगा। तो यानी ये जाएगा आपका, इस कैटेगरी में ये बिलोंग करेगा। तो यही आपका होता है KNN की कंडीशन, यही होती है नियरेस्ट बिहेवियर, जो इसका नियरेस्ट इसको मिलेगा उसकी तरफ ये क्या कर देगा, मूव कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसका कोड देखेंगे, कैसे कोड के थ्रू ये इम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।